मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 12 विलोम शब्द मैं बताऊंगी। विलोम शब्द हम कहते किसे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत, विपरीत का वो अर्थ होता है उल्टा, अर्थ बताते हैं विलोम शब्द का। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं लिख कर आपको बता देती हूँ विलोम शब्द की परिभाषा। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द। जैसे कि जैसे जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे हंसना का विलोम शब्द होगा रोना। जैसे ऊपर का नीचे, हल्का भारी, एक कोई चीज एक है, अगर कई समान रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अनेक, एक अनेक। तो कुछ शब्द हम लिख करके आपको बता दे रहे हैं कि कैसे विलोम शब्द आप बनाएंगे। जैसे सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, असत्य, हम इसके आगे अ लगा सकते हैं, असत्य हो गया, असत्य। जैसे कि अन का प्रयोग शब्द के शुरू में करने से भी विलोम शब्द बन जाते हैं। अन का प्रयोग शब्द के शुरू में करने से भी विलोम शब्द बन जाते हैं। आदर का विलोम शब्द क्या होगा, अनादर। होनी का अनहोनी, सुना का अनसुना, तो आदर का हम लिखते हैं आदर। इसका अनादर
जैसे अपराध लिखना है उसका विलोम शब्द क्या होगा? निरपराध। आशा निराशा, आशा का निराशा। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, कच्चा पक्का, कम ज्यादा, सरल कठिन, सस्ता महंगा, देसी विदेशी, प्रश्न उत्तर, छोटा बड़ा, लाभ हानि, उल्टा सीधा, दिन का रात, सुख का दुख, प्रश्न का उत्तर, उदय का अस्त, अमीर गरीब, हार जीत, सच झूठ। बीस का क्या होगा विलोम? अमृत। मित्र का शत्रु, नरम कठोर। एक विलोम शब्द है आपका। मैं अ से शुरू होने वाले भी बता दें कि अ से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अ से शुरू होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। सत्य का असत्य, ज्ञान का अज्ञान, सुर का असुर। अन से शुरू वाले हैं जैसे आदर अनादर, होनी अनहोनी। नीर का प्रयोग करके भी विलोम शब्द बन जाते हैं, अपराध निरपराध, आशा निराशा। ये आपका विलोम शब्द है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद करिएगा, ये बहुत जरूरी है। विलोम शब्द आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, इसको याद करना है और समझिएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। धन्यवाद बच्चों।